इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। ओके, तो आज बेसिक समय ना है हमारा, तो एक मन प्रैक्टिस करो। आज हमारे ऊपर प्रियम सारे रात क्लास तो लोगों के लिए कुछ है, तो मैकेनिकल क्लासेस। ओके, सो राइट नाउ वी जस्ट डू फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन थेवेनिन सुपरपोजिशन एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोग सोर्स लगाते हैं। एक सोर्स लगाते हैं और 10 वोल्ट, फाइंड द करेंट, फाइंड द करेंट आई इफ R3 इज इक्वल टू 4 ओम। इस प्रॉब्लम को, ये सेम प्रॉब्लम को हम लोग नंबर 1 नोडल से करेंगे, नंबर 2 इसको सुपर पोजिशन से करेंगे, नंबर थ्री इसको थेवेनिन से करेंगे, नंबर फोर नॉर्टन से करेंगे एंड नंबर 5 इसको मैश एनालिसिस से करेंगे। चलो पहले आप लोग करो, देखते हैं। हाँ
স্যার জানলে সোর্সটো কনভার্ট ক্লাসে কৰি লৈছো, তাৰপিছত চুপাৰভাইজন কোন সা কিয়া বলো সুপারভাইজন স্যার। এম আই অডিবল? সুপার পজিশন স্যার, एनीवन एल्स? नहीं वो, चलो मैं कर देता हूँ, टाइम नहीं है। कौन कौन है? नहीं वो, चलो करते हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, कौन सा मेथड यूज करना है? नोडल। चलो नोडल को देखते हैं। अगर मैं इस पर नोडल लगाता हूँ, नोडल लगाने का तरीका क्या है? हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जितने सारे नोड है वो नोड को आइडेंटिफाई करना है। तो नोड्स देखते हैं, एक दो तीन है ना। और यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है नीचे वो सारे क्या है? सिंगल नोड है कि नहीं? तो नोड किस कहाँ कहाँ पर लगाएंगे बोलो? देखो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, मैं सबका नाम लेता हूँ, हर एक कॉर्नर का नाम लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सिर्फ आपके समझा समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा देने का जरूरत नहीं है ना। जिसको जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? नोडल। नोडल एनालिसिस का मतलब होता है केसीएल लगाते हैं, मतलब करंट इनकमिंग करंट मस्ट इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। और उसमें हम क्या यूज करते हैं? ओम्स को यूज करते हैं, मतलब करंट को वोल्टेज के टर्म पे लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ग्राउंड नोड या फिर डेटम नोड या फिर रेफरेंस नोड, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। ए हम अगर देखते हैं कि एच से शुरू करके अगर मैं देखता हूँ जी एफ ई, ये सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं मुझको वो सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। और ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ तो इसी को मैं जीरो रेफरेंस ले सकता हूँ। तो रेफरेंस नोड ये हो जाएगा और इसको मैं जीरो फोकस है ना। हम लोग नीचे वाले लाइन को जीरो पकड़ ले। चलो ठीक, अभी देखो तो नोड कहाँ पे मिला मुझको? ये जो बी और सी दिख रहा है, बी और से बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। इसका मतलब
ई पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तो ये भी तो एक ही नोड है ना। दिस इज ऑल्सो सेम नोड, एक ही नोड मिला मुझे। करेक्ट, बाकी जितना सारा पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये सोर्स से कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक बी से एच तक मैं एक ही ब्रांच पकड़ लेता हूँ, और यहाँ पे ये बी और डी, बी और डी से इसको एक नोड बना देता है ना। कर सकते हैं, बोलो भाई। अभी आप नोड का इक्वेशन लिखो, तो मैं एक ही नोड पकड़ूंगा यहाँ पे, इसको मैं एक ही नोड बोलूंगा, और वो नोड है मेरा पकड़ लो डी नोड। चलो ठीक है, डी। तो एट नोड बी, एट नोड बी, बाकी तो नोड है ही नहीं, नोड बी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ केसीएल, तो क्या लिख सकते हैं हमको? सबसे पहले तो जिस नोड पे हम बैठेंगे उस नोड को क्या करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे है ना। तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे अगर होगा तो इसका पोटेंशियल मैं पकड़ लेता हूँ बी बी। तो करंट जो है हाईएस्ट पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो वो सारा करंट को हम लोग आउटगोइंग करंट पकड़ेंगे, इसमें आउटगोइंग पकड़ेंगे, इसमें आउटगोइंग पकड़ेंगे, सिर्फ जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन है तो इसी को इनकमिंग रखेंगे और इसको करंट के टर्म्स पे ही रहने देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट दिया हुआ, बाकी सारा वोल्टेज के टर्म पे लिखते हैं। चलो देखो, वी वी है इसके नोड का पोटेंशियल, तो आउटगोइंग करंट को नाम है आउटगोइंग करंट, क्या ले, पॉजिटिव की निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो आउटगोइंग करंट को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और इनकमिंग को निगेटिव लेते हैं, ये आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव लो निगेटिव लो। मैंने बहुत बार पॉजिटिव लेके भी दिखाया है, निगेटिव लेके भी करके दिखाया है, बात एक ही है। तो हम लोग आउटगोइंग को अभी पॉजिटिव लेंगे, तो आउटगोइंग करंट क्या होगा यहाँ पे, जी बी में जब बैठा हूँ तो वी भी मेरा हायर पोटेंशियल पे है, माइनस 10 वोल्ट है ना इस पॉइंट का, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, वी भी माइनस 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना करंट आउट हुए। फिर ये 2 एम्पियर ओम का जो रेजिस्टेंस है उससे कितना करंट पास हो रहा होगा, तो वो करंट भी आउटगोइंग करंट है और आउटगोइंग को पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस इसको लिखेंगे वी वी माइनस, यहाँ पे तो 0 है तो -0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। नेक्स्ट ब्रांच जो है ये तो सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, तो ये R3 के थ्रू भी एक करंट जा रहा है, आई करंट, और वो आई करंट हमको चाहिए एक्चुअली में, है ना। तो और R3 का वैल्यू दिया हुआ है, R3 का वैल्यू है मेरा 4 ओम, तो 4 ओम ठीक है, आई करंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 ओम अगर है और आई करंट उसको निकालना है तो नोड का करंट कैसे लिखेंगे बताओ, कितना होगा बोलो। ये भी आउटगोइंग है ना, आउटगोइंग है तो प्लस देंगे, जी बी माइनस 0, जी बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा, और 5 ओम, 5 एम्पीयर का करंट जो है वो इनकमिंग है, इनकमिंग को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? वेल दिस इज इक्वल टू क्लियर, अभी निकाल लेंगे इसको। एक काम करते हैं, 4 से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके एक ही बार में लिखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 2 dB माइनस 20 प्लस 2 GB प्लस dB माइनस
23 इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एम आई क्लियर? अब देखो 2bb प्लस 2bb प्लस 2b 5bb माइनस 20 माइनस 40, तो -40 इक्वल टू 0, इसका मतलब जी बी इक्वल टू 40/5, 40/5 मतलब 1 वोल्ट। अब जी बी अगर 1 वोल्ट है, यहाँ पे मिला मुझे 1 वोल्ट, और आई करंट निकालना है, तो बी बी माइनस 0/4, मतलब जी बी बाई 4 होगा मेरा आई, आई इंटू इक्वल टू जी बी माइनस 0/4, मतलब 8/4 इक्वल टू 3। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर पोजिशन। अच्छा, जब सुपर पोजिशन बोलते हैं तो सुपर पोजिशन थ्योरम या फिर सुपर पोजिशन जो मेथड है हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है बताओ? सुपर पोजिशन थ्योरम यूज कौन से सर्किट पे कर सकते हैं? बोलो। सुपर पोजिशन थ्योरम यूज करने के लिए सर्किट का किस टाइप का होना जरूरी है? एनीवन? ठीक सुपर पोजिशन के ऊपर, सुपर पोजिशन थ्योरम अगर एक क्वेश्चन फ्रेम करूं मैं कि सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश। ऑप्शन इज नंबर 1 रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, क्या होगा आंसर? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तो शॉर्ट क्वेश्चन फटाफट से चेक सर करो। पावर ये सही बात पावर है। सुपर पोजिशन थ्योरम कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर आप पावर को देखोगे तो अलग अलग करंट पास करेगा, अलग अलग करंट आएगा, है ना? तो वो नहीं समझ समझ सुपर पोजिशन से हम नहीं निकाल सकते। और दूसरा चीज क्या है कि सुपर पोजिशन जो है वो क्या क्या लॉस को फॉलो करना पड़ता है सुपर पोजिशन के लिए? लॉ क्या क्या? होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी,
प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो करता है तब जाके हम सुपर पोजिशन थ्योरम ओबे करता है वो सर्किट, ऐसा बोल सकते हैं। और सुपर पोजिशन सर्किट हमेशा लीनियर नेटवर्क पे ही एप्लीकेबल है। लीनियर नेटवर्क होना जरूरी है, लीनियर अगर नहीं होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क होगा तो उसमें आप सुपर पोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव एडिटिविटी और होमोजेनिटी को मानता है, मतलब सुपर पोजिशन मानता है, और लीनियर नेटवर्क होना जरूरी है तब जाके हम सुपर पोजिशन लगा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी बातें थी। अब बताओ, सुपर पोजिशन तो सबको आता है, क्या है बताता है सुपर पोजिशन? कि हम लोग एट ए टाइम सिर्फ एक ही सोर्स को ऑन रखेंगे और बाकी जितना सारा सोर्सेस है ना सबको बंद कर देंगे। तो अगर आप बाकी सारे सोर्सेस को बंद कर देते हो तो वो सोर्सेस का क्या नजर आएगा? तो वो सारे सोर्सेस का सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही नजर आएगा सर्किट के एट ए टाइम, है ना? और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 पकड़ेंगे और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी पकड़ेंगे, क्योंकि तो हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि तो सोर्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा इंटरनल वो तो उसका बाहर आ गया है। जैसे कि अगर आप कंसिडर करो तो ये 10 वोल्ट का जो बैटरी है उसके साथ सीरीज में ये 2 ओम लगा हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये 10 वोल्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। या फिर मैं बोल दूं कि ये 10 वोल्ट मेरा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो चलो सुपरपोजिशन अभी अप्लाई करते हैं सर्किट को ले। सुपर पोजिशन अप्लाई करने का तरीका क्या है? एट ए टाइम हम लोग सिर्फ एक सोर्स को ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं करंट सोर्स को ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही मैं करंट सोर्स को ऑफ कर दूंगा, इसके स्विच ऑफ कर दिया, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखेगा। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? अभी बताया कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है मतलब इस ब्रांच से कोई करंट पास ही नहीं होगा, तो मैं इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसको हमने काट दिया, ऑफ कर दिया, मतलब ये पूरा कट गया। अब देखो क्या बच गया, R3 = 4। तो सर्किट कैसा दिख रहा है? सर्किट दिख रहा है कि 10 वोल्ट का एक सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 2 पैरेलल 4। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इस बैटरी को दिख रहा है वो रेजिस्टेंस उसको कितना दिख रहा है? वो रेजिस्टेंस दिख रहा है 2 + 2 पैरेलल 4 दिख रहा है ना? अब देखो यहाँ पे आर आर अगर मैं पकड़ता हूँ 4 को, तो R parallel R/2 है। R parallel R/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है R/3। तो ये R/3 आएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 3, 6, 6 मतलब 10। ठीक है, तो बोलो। तो करंट कितना लग गया हमारा 4 ओम से? अगर आर इक्विवेलेंट कितना है, सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बैटरी करंट कितना होगा? बैटरी करंट I = V/R है ना? V है 10 और R है मेरा 10/3, तो 3 एम्पियर। 3 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 3 एम्पियर है वो 2 ब्रांच में बट गया है, तो मुझको आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग करंट I, तो मैं बोलता हूँ अभी I डैश।
10 पोल के लिए ले रहा है, तो आईडीएस का वैल्यू कितना होगा बताओ, करंट डिवीजन रूल से बता दो कितना होगा। करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, कि आई करंट जो आ रहा है आई इनटू ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस होता है, 4 होगा कि 2 होगा। करंट डिवीजन रूल, जिस ब्रांच का करंट हमको निकालना है उसके अपोजिट वाला ओपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर है ना, और नीचे दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो 3 कट गया तो हो गया 2, और 2 कट गया तो हो गया 1। इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट आई डैश जब 10 वोल्ट का सोर्स है तो सिर्फ मेरा यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग 10 वोल्ट को ना सोर्स कर देते हैं और सिर्फ इसको लाइन पे लेते हैं 5 एम्पियर को। तो 5 एम्पियर को लाइन पे नहीं किए, और 10 वोल्ट को जब मैं ऑफ कर दूंगा तो ऑफ करने का मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। जीरो होता है मतलब ये ऑफ हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ठीक है, ये 10 वोल्ट मेरा स्विच ऑफ हो गया। तो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, देखो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। कितना में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 इसको मिल रहा है 4 पैरेलल 2 है ना, तो 3 ब्रांच में बट रहा है 4 पैरेलल 2 पैरेलल 2। क्लियर, हमको चाहिए ये वाला ब्रांच का करंट। तो ये जो 2 पैरेलल 2 है इसको मैं सर्किट के एक बार फिर से बना लेता हूँ। टू पैरेलल टू जो ब्रांच है ना इसको एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 2 है इसका मतलब 1 ओम हो गया। हाँ, और 4 ओम का एक रजिस्टर इसके पैरेलल लगा हुआ है, 4 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे मेरा 5 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है ना भाई। अब फिर से हम यहाँ पे आई डबल डैश निकाल लेंगे, अब आई डबल डैश कितना होगा, वही करंट डिवीजन रूल लगाओ, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है हाँ, और 4 ओम का रेजिस्टेंस तो चाहिए, तो उसका ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर मतलब 1 ओम, और नीचे हो जाएगा 1/5 तो कट गया, तो ये आ गया फिर से 1 एम्पियर। अब देखो 5 एम्पियर का सोर्स की वजह से जो करंट पास हो रहा है 4 ओम के थ्रू वो हो रहा है 1 एम्पियर, और जो 10 वोल्ट का बैटरी के वजह से जो करंट आ रहा था वो भी था 1 एम्पियर। तो दोनों को जब सुपर इम्पोज कर देंगे और एक ही सर्किट पे लेंगे तो आई 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 का वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस I इंटू इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश, इसका मतलब 1 प्लस 1 इक्वल 6 हो गया। हाँ भाई बोलो। एवरीवन, नोडल से भी 2 एम्पियर मिला, सुपर पोजिशन भी लगा दिया तो 2 एम्पियर मिला है ना। एनीबडी एनी डाउट, तो अभी थेवेनिन लगाते हैं। चलो थेवेनिन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो, थेवेनिन सर्किट का मतलब क्या है, थेवेनिन वोल्टेज का मतलब हम किसी भी एक ब्रांच का ना करंट निकाल सकते हैं थेवेनिन से, और वोल्टेज निकाल सकते हैं करंट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है थेवेनिन के लिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस थेवेनिन लगाने के लिए ना किसी सर्किट को जिस ब्रांच में हमारा इंटरेस्ट है उस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे है ना, और
देखेंगे कि इस टर्मिनल पे ओपन करके इस टर्मिनल पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। जितना भी वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा होगा, जितना भी वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा होगा, पकड़ लो, मैं इसका नाम दे देता हूँ VLV। तो VAB जो भी वोल्टेज मिलेगा मुझको, वो वोल्टेज इस एंटायर सर्किट पे ड्रॉप होने के बाद इस दो नोड पे, इस दो कॉइल पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इतना निकल रहा है। इसका मतलब मैं इस एंटायर सर्किट को इस VAB जितना वोल्टेज का एक सोर्स लगा के रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। वही होता है मेरा थेवेनिन। तो थेवेनिन को लगाने का तरीका ये है, हम ना इस ब्रांच को ओपन कर देते हैं। इस ब्रांच को ओपन कर दो, तो हमने ओपन कर दिया अभी। अगर ये ब्रांच ओपन है तो VTH कितना होगा, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज VTH। यहाँ पे वोल्टेज कितना है वो निकालना है ना। बताओ जल्दी जल्दी से निकाल के बताओ कितना होगा। ओपन हो गया, VTH कितना होगा जल्दी जल्दी से। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे मुझको वोल्टेज चाहिए। मैं इसको रेफरेंस पकड़ लेता हूँ, इस और इस नोड को ना ए नोड बोला है, मतलब VAB ए बोल देता हूँ, है ना। ए और बी, देखो यहाँ पे जितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो ही जितना ही वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा होगा, है ना। तो मैं बोल देता हूँ बी ए, और इस पॉइंट से ये पॉइंट है बी, मतलब इधर है, उसको VAB चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसी पे ना सीधा सीधा नोडल लगा देते हैं, नोडल लगाते हैं, आउटगोइंग करंट को ना पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा VA -10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। इतना करंट निकल के जा रहा है, इससे कितना करंट निकल के जा रहा है, निकल के जो जा रहा है आउटगोइंग करंट को मैं प्लस पकड़ रहा हूँ, VA -10/2 प्लस यहाँ पे VA -0 डिवाइडेड बाई 2, और ये 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो -5 इज इक्वल टू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो VA -10 प्लस VA माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 10 इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 VA इज इक्वल टू 20, इसका मतलब VA इज इक्वल टू 10। तो VTH मिल गया मुझको, VTH कितना होगा 10 वोल्ट। देखो यार बोलो रे, अब VTH निकालने के बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, ये पूरा सर्किट के यहाँ पे वोल्टेज तो मिल गया मुझको, इस दो टर्मिनल का वोल्टेज मिल गया। अब मुझको इस पूरे एंटायर सर्किट का ना रेजिस्टेंस निकालना है, इस दो पॉइंट के हिसाब से कि यहाँ से इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, वही मेरा उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मुझको यहाँ पे रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आरटीएस निकालना है, तो आरटीएस निकालने का तरीका यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो मैं इस टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं देखूंगा, पकड़ लेंगे मन ही मन में हम लोग पकड़ेंगे कि ये दोनों टर्मिनल के ना कोई सोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब इस दो टर्मिनल से मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे स्विच सोर्सेस को क्या करेंगे, सोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बंद कर दूंगा तो ये करंट सोर्स है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट, तो ये मुझको ओपन सर्किट जैसा दिखेगा, ये मुझको ओपन सर्किट दिखेगा, तो इधर से कोई करंट जा ही नहीं रहा। और मैं जब 10 वोल्ट का बैटरी को बंद कर रहा हूँ तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है 0, तो ये बंद होते ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इससे करंट पूरा चला जाएगा। तो ये आ गया है, तो सर्किट ऐसा दिख रहा है। और इस टाइम से मैं आरटीएच निकाल रहा हूँ, तो आरटीएच कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 पैरेलल 2 दिख रहा है ना, 2 पैरेलल 2 ही दिख रहा है आरटीएच में, तो इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे 2 पैरेलल 2, ये रहा हमारा 1 पॉइंट, ये रहा। इसका मतलब आरटीएच कितना हो गया, इक्वल टू 1 है, 2 पैरेलल 2 1, है ना। तो इस पूरे सर्किट को ना मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम वाला एक वोल्टेज सोर्स से, और उस वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू होगा, सोर्स वोल्टेज होना चाहिए ओपन सर्किट वोल्टेज 10 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज। और यहाँ पे अभी हम लोग अपना जो ब्रांच का लोड था उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वो लोड कितना था, 4 ओम। अब 4 ओम प्लस 1 ओम ये दोनों क्या है, सीरीज में दिख रहे हैं, मतलब 5 ओम, और 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिए है, तो I जो तो करंट पास करेगा इससे वो होगा V/R, V हो जाएगा 10, I R हो जाएगा 10। क्या मिला मुझको, सेम 2 एम्पियर ही मिला 4 ओम के रजिस्टर से। बोलो क्या थेवेनिन समझ में आ गया भाई? यस सर, हाँ थेवेनिन समझ में आ गया, है ना। बच गया मेरा नॉर्टन। तो नॉर्टन सर्किट मतलब क्या है, कि हम लोग सेम थेवेनिन सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, और नॉर्टन में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब ये ए और बी जो टर्मिनल है ना, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, है नहीं। और ए बी टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इससे करंट कितना पास हो रहा है, तो जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट वही मेरा IN कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन करंट, है कि नहीं। तो नई सर्किट को मैं ले लेता हूँ एक बार, और देखो मैं करना है निकाल लो इसको, इसमें क्या है, मॉडल लगा दो, है ना, मॉडल से ही निकाल देते हैं। ये मेरा ये पॉइंट हो गया,
अगर लगा जाते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम पॉइंट है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, ये दोनों ए पॉइंट ही है। इसको पोटेंशियल में पकड़ लेता हूँ, वी है, और आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव पकड़ता हूँ, इनकमिंग को निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस 10, वी ए माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये करंट जा रहा है इधर से। उसके बाद ये वाला करंट भी आउटगोइंग है, आउटगोइंग को पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ, तो वी ए माइनस 0 डिवाइडेड बाई, फिर ये वाला आउटगोइंग करंट जा रहा है, और आउटगोइंग करंट जो जा रहा है वो हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसको ISC रखते हैं। और क्या है, एक करंट आ रहा है, एक करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, मतलब तो -5 एम्पियर, और कौन सा करंट बच गया है भाई, ये वाला करंट बच गया है, ये तो ISC है, बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो इसको मैं डायरेक्टली ISC लिखता हूँ, आउटगोइंग है तो मैं इसको क्लास ISC, क्या मेरी बात समझ में आई, इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये हो जाएगा जी ए प्लस सॉरी माइनस 10 प्लस वी ए, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 10 प्लस ISC इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हो गया -10 -10 -20 प्लस टू ISC। V A प्लस ISC इज इक्वल टू 10। सिल्वर किया ना, देखा, चलो कहाँ पे गड़बड़ है, बोलो सर्किल देख के बता, हाँ भाई बोलो क्या गड़बड़ किया हमने, जनरल जो
सब ठीक ही बताओ। लगी है उसे। हाँ हाँ तो ठीक लगी ऐसे, लेकिन एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो नहीं निकला मिस्टेक। बढ़िया से दे। कैसे निकलेंगे यहाँ पे है। शॉर्ट करूंगा तो ये 2 ओम का रजिस्टर के अक्रॉस आईएससी करंट पास होगा इधर से हाँ। तो क्या 2 ओम के रजिस्टर से कोई करंट पास करेगा क्या? एक तो बताओ जल्दी जल्दी। शॉर्टेड हो गया है ना? तो अगर बिल्कुल 2 ओम का रजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं तो आईएससी कितना निकल रहा है अपना? तो एम्पियर क्या एग्जैक्टली पेमेंट है यहाँ पे इतना सारा काम शाम करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ मैं जब ये 2 पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ है ना, शॉर्ट करने का मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल को बराबर कर देना, मतलब 0 हो गया है ना, पोटेंशियल बराबर हो गया तो इस लाइन से कोई करंट पास ही नहीं करेगा, तो ये 2 ओम कट जाएगा, सारा करंट आईएससी से पास करेगा इस ब्रांच से। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से आपका फिर से सुपर पोजिशन लगा के भी देख सकते हो इजीली, इसको हटा दिया स्विच ऑफ कर दिया तो 10 वोल्ट का वजह से जो आईएससी करंट पास हो रहा होगा कितना होगा 10/2 मतलब 5 एम्पीयर है ना। तो सिर्फ वोल्टेज सोर्स के लिए यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट पास करेगा, और जब मैं इस 10 एम्पियर को 5 एम्पियर को लगाऊंगा और 10 वोल्ट को शॉर्ट कर दूंगा स्विच ऑफ कर दूंगा तो क्या दिख रहा है कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा है
और ये फिर शॉर्ट सर्किट है ना, तो इस लूप में से 5 एम्पियर ही जाएगा। क्लियर? इसका मतलब मेरा IN या फिर ISC इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर हो गया। क्लियर? एम आई क्लियर? बोलो भाई, सिंपल से यहाँ से देख ही सकते हैं, सुपरपोजिशन लगा दो सीधा सीधा दिख जाएगा, है ना। या फिर आप नॉलेज भी लगा के ले सकते हो, नॉलेज लगाते हो तो क्या दिखेगा, यही सर्किट है, नॉलेज लगाते हैं तो VA-10 डिवाइडेड बाई 2 और आउटगोइंग करंट है ISC प्लस ISC और -5 इक्वल टू 0। VA को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको सुपरपोजिशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका IN निकल गया 10 एम्पियर, और RN क्या होगा, RN तो सेम था पहले जैसे RTH, RN और RTH सेम होता है, तो RTH हमने यहाँ पर निकाला था, क्या है ना, कितना है 1 ओम, तो RN कितना हो जाएगा 1 ओम, तो RN 1 ओम है, ISC आपका 10 एम्पियर। हाँ, तो सर्किट कैसा दिखेगा आपको, सर्किट जो होगा तो हम लोग एक करंट सोर्स लगा देंगे, हाँ करंट सोर्स IN का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का, 10 एम्पियर का एक सोर्स है, और यहाँ पे अब हम अपना लोड कनेक्ट कर देंगे, कितना था 4 ओम, तो 4 ओम के ब्रांच से कितना करंट पास करेगा, वो करंट I मैं निकाल सकता हूँ करंट डिवीजन रूल से, तो 10 इंटू कौन सा ब्रांच कितने निकाल रहे हैं 4 ओम पे, तो अगला वाला लेंगे ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 5 5 बाई 10 इक्वल टू 2 एम्पीयर। एम आई क्लियर? हाँ भाई बोलो। चलो लास्ट कौन सा मेथड रह गया है, मैश, मैश एनालिसिस। मैश में क्या है यार, लूप करंट लेना है आपको, है ना, और उसका केवीएल लिख देना है, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है नहीं। चलो बोलो जल्दी बोलो, क्लियर? देखो यस सर, एक सर्किट को आपके हिसाब से आपको जो भी आपके दिमाग में आए जैसा आपको ठीक लगे आप वो रूल फॉलो कर सकते हो, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। मेरा जो देखने का तरीका होगा और आपका जो देखने का तरीका होगा सर्किट का वो अलग-अलग हो सकता है, बेसिक रूल कभी चेंज नहीं होता है ना। तो हम लोग सबसे पहले जैसे ही सर्किट को देखते हैं ना, ये सब मैश वगैरह थोड़ा सा क्लमजी होता है, तो बेसिक सर्किट पे हम
लगाते हैं, नॉर्टन लगाते हैं, सुपर पोजिशन लगाते हैं, या फिर नोडल लगाते हैं। मोस्टली आप सर्किट को अगर बहुत बढ़िया से देख लेते हो तो वहीं से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको चाहिए क्या, है ना। तो अगर मैच करंट का बात करते हैं तो हर एक मैच यहाँ पे कितना मैच दिख गया आपको? मैच एनालिसिस करेंगे तो हर एक लूप में एक एक करंट पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लेंगे इसको I1, यहाँ पे मैं पकड़ लूंगा I2, यहाँ पे मैं पकड़ लूंगा I3, ऐसा तीन करंट हमको पकड़ना पड़ेगा और फिर हमको KVL लगाना है, ठीक है। तो ये अननेसेसरी लंबा खिंचाने वाला बात, इससे छोटा वाला मेथड हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब बैठे इसका KVL लगाओ एक एक लूप पे, और केवीएल लगाने का तरीका चलो ठीक है करते हैं। मैच एक नंबर नाम देते हैं ए बी। अब देखो बी तो सेम पॉइंट है तो बी ही रखता हूँ मैं यहाँ पे, सी और क्या लिख दो, तो सी सी डी ई एफ सी। अगर मैं मैच पकड़ता हूँ ए बी जी एच ए, तो इसमें अगर केवीएल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? केवीएल लिखते टाइम राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव या निगेटिव जैसा मर्जी वैसा पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक हमने राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव पकड़ा था, आज निगेटिव पकड़ के देख। तो राइज इन पोटेंशियल निगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस से मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है मुझको और मैं इसको निगेटिव ले रहा हूँ, देख माइनस 10, ठीक है। फिर करंट जो है I1 करंट मूव कर रहा था 2 ओम से इधर, इसका मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगाएंगे। I1 करंट इधर से जा रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगेगा, है ना। तो कितना होगा ये दिख रहा है फॉल इन पोटेंशियल, तो फॉल इन पोटेंशियल को मैं क्या कर रहा हूँ प्लस दे देता हूँ, और ये कितना करंट जा रहा है I1 करंट जा रहा है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बोलो, पोटेंशियल कितना होगा 2 I1, है ना। फिर यहाँ पे देखो इस ब्रांच पे BG ब्रांच पे I1 करंट ऊपर से आ रहा है और I2 करंट अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। मैं इस लूप के लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन, तो I1 को प्रेफरेंस दूंगा और कैसे लिखेंगे फिर, ये करंट जो है वो प्लस से माइनस, मतलब फॉल इन पोटेंशियल, और फॉल इन पोटेंशियल को हम लोग प्लस ले रहे हैं, तो फॉल इन पोटेंशियल प्लस है तो प्लस दे दिया, और पोटेंशियल कितना है रेजिस्टेंस है 2 और करंट जो है वो होगा मेरा I1 माइनस I2 करंट इस ब्रांच में, और कोई पोटेंशियल है नहीं है। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और इसको अगर मैं लिखता हूँ फिर 2 I1 प्लस 2 I1 प्लस मतलब 4 I1 माइनस 4 I1 माइनस 2 I2 माइनस 2 I2 माइनस 10 सेल्सियस। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली मैं इस नोट के लिए भी लिख सकता हूँ, इस मैच के लिए लिख सकता हूँ, सी डी ई एफ इसके लिए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है I1 I2 I3, अगर 3 वेरिएबल है तो मुझको 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। मैं इस लूप के लिए एक बार, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, तीन तीन इक्वेशन लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। अननेसेसरी वो लेंथी प्रोसीजर है, इसको जाना मेरे को सही नहीं लगता है ना। मैश एनालिसिस हमको जरूरत नहीं है, अभी आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप मैश एनालिसिस करके ही सॉल्व करो। वो जब आप सेमिस्टर में थे तो आता था एग्जाम में कि मैश एनालिसिस करके सॉल्व करना पड़ेगा या फिर नॉर्टन लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करो, अभी आपको सॉल्व करना है ना। तो दिस इज वो समथिंग लेंथी प्रोसीजर। ओके एवरीवन।
यस तो सर, आज के लिए यहाँ पे खत्म। आप लोग जाओ खाना वाना खा लो, फिर डिजिटल रूप से क्लास शुरू होगा फिर, है ना। बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर कल मॉर्निंग क्लास कैसे मॉर्निंग रहो? क्लास, मॉर्निंग होते लॉन्ग 8:30। ओके ओके सर।